गाजीपुर से पंकज यादव, पत्रकार की रिपोर्ट। पेरियार ललन सिंह यादव की मनाई गई जयंती। एक सितंबर 2021 को पेरियार ललन सिंह यादव की जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय यादव, शैलेश महाविद्यालय प्रबंधक ओम प्रकाश गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मूल निवासी संघ उत्तर प्रदेश विनोद कुमार, जिला अध्यक्ष गाजीपुर जैन सामाजिक सिंह कश्यप, प्रोफेसर पीजी कॉलेज गाजीपुर राजेश चंदेल यादव, राजू प्रजापति, महेंद्र लाल, हरिनारायण लखंदर राम उपस्थित रहे। आर्यों के कर्मकांड दासता से मुक्ति दिलाकर बुद्ध धर्म संघ की स्थापना, विश्व के मानव कल्याण का मार्गदाता, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, समस्त भारत के लोगों को एक राष्ट्रीय परिवार के सूत्र में बांधने वाले बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, मूल निवासियों को शिक्षा का हक दिलाने वाले राष्ट्रपिता ज्योति राव फुले, राष्ट्र माता सावित्री बाई फुले, आर्य षड्यंत्र कार्य शब्द ईश्वर आदि आस्था का खुलासा करने वाले पेरियार रामाशमी नायक, भूमि पर हक दिलाने के संघर्ष करने वाले बिरसा मुंडा, नारियों को पूर्व वस्त्र पहनाने का अधिकार दिलाने वाले नारायण गुरु, ब्रह्मित जिंदगी से सत्य मार्ग पर जीने का मार्गदर्शक आध्यात्मिक ज्ञान दाता सतगुरु कबीर साहब, सतगुरु रविदास जी, गुरु नानक देव इत्यादि समाज सुधारकों को शत शत नमन करते हुए, मूल निवासी शोषित समाज के हक अधिकार लेने के मार्ग सूत्र 100 में 90 शोषित है 90 भाग हमारा है को बताने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की शहादत दिनांक 5 सितंबर 1975 के प्रेरणा में लोक जागृत चेतना हेतु तथा पेरियार ललन यादव के जन्म दिनांक 1 सितंबर 1911 की स्मृति में मूल निवासी बहुजन समाज के सामाजिक शैक्षिकी एवं आर्थिक प्रगति में महापुरुषों का योगदान विषय पर चर्चा करने का कार्यक्रम है, जिसमें हम बताना चाहते हैं कि भिन्न समय उसे हमारे मूल निवासी महापुरुष आर्यों से समय समय पर संघर्ष करते रहे हैं। आर्य अनार्य देवासुर संग्राम से लेकर वर्तमान में अगड़ा पिछड़ा संघर्ष में अहम भूमिका निभाने वाले पेरियार ललन यादव जी का कथन है कि स्वतंत्र सोच का विकास करना ही शिक्षा है। व्यक्ति चाहे कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर ले, अगर वह अपनी सोच को विकसित नहीं कर पाया तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप स्कूल में पढ़ा रावण के 10 सिर थे और मान लिया तो आपकी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। संज्ञान नहीं बल्कि मूर्खता है, जिसका लाभ ब्राह्मण समाज को मिलता है। दान के रूप में आप 5वीं फेल ब्राह्मण से चला लेते हैं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मतलब आप इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आईएएस, पीसीएस, नेता, अभिनेता बनकर भी इस लायक नहीं हुए अपना निर्णय खुद ले सके। यह खेत का विषय बना हुआ है। वह कहते यह सोचो, समझो और विचार करो, कर्मयोगी बनो, अपना निर्णय खुद करो, यह हमेशा ध्यान में रखे। काव्यांजलि की पृष्ठ 34 पर छापा है पंडित बागवंत से झूठा। अंत में हम कहना चाहते हैं कि SC ST OBC अंधभक्त होकर राजनीतिक शब्द हिंदू मुसलमान सामुदायिक झगड़ा व अपमानित जाति के घुटनों में पशु के समान बने हुए जीवन जी रहे हैं। स्वतंत्र जीवन विकास के लिए हिंदू मुसलमान जाति सूचक शब्दों को नकार कर मूल निवासी जमात बनाकर बड़ी पहचान कायम करने पर ही संभव है। छोटी जाति बनकर मर जाएंगे और अगली पीढ़ी गुलाम का गुलाम है रह जाएगी। आता चेतना है, जाति नाम ही दुश्मन है, छोटा करता तन मन है। जातीय संगठन बनाएंगे, छोटी जाति ही रह जाएंगे, मूल निवासी कल आएंगे, बड़ी पहचान बनाएंगे। जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, मैं हूं पंकज यादव, आप देख रहे हैं अल्पायु एक्सप्रेस। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं सैन्य चित्रकाले हरतरा जनिया पे, जहाँ पे की आज जयंती मनाई जा रही है पेरियार ललन सिंह यादव की। आइए यहाँ पे जो भी लोग उपस्थित हैं उसे जानते हैं जो इस जयंती में शामिल हैं। सर आपका नाम? मैं राजेश कुमार यादव। आपका जो मूल निवासी संघ है इसके बारे में कुछ बताइए, इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है इस संघ? जो ये मूल निवासी संघ है उसमें कार्यक्रम रखा गया और ललई यादव का जन्मदिन था, और साथ ही में 5 सितंबर को हमारे महापुरुष एक और हैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, उनका शहादत दिवस था। तो हम लोगों ने उन लोगों की संयुक्त जयंती यहाँ पर मनाया, समाज को ये संदेश देने के लिए कि समाज जो हमारा सोया हुआ है अपने महापुरुषों को जाने, हमारे विंग के लोग, हमारे कैडर के लोग उन महापुरुषों को खोज के निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे जो समाज के लोग हैं अभी सोए हैं, जागे नहीं हैं। तो कम से कम उनको जानने का प्रयास करें और समाज में आप लोग अपने संगठन के जरिए लोगों को जो है कि जगाने का काम कर रहे हैं, जाति पात से ऊपर उठ करके एक स्वच्छ और समानता का निर्माण करना चाहते हैं, इस राष्ट्र को एक समान धारा में ले जाना चाहते हैं। जी धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश गौतम जी। आज जो आप लोग इनकी जयंती मना रहे हैं, जो है कि जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की और ललित जो ललई सिंह यादव जी हैं उनका, तो इसमें आप लोगों के SC ST OBC के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इनकी जयंती पे? जैसा कि यह सिद्ध है कि हम आज पेरियार ललई सिंह यादव की जयंती और साथ में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की स्मृति दिवस जी, यह होता है कि हम कैसी भी महापुरुष को किसी को हम याद कर रहे हैं
याद करने से पहले मेरे मन में आता है, चाहे हमारे समाज के लोगों के मन में आता है, हम किसी को याद करते हैं उनकी विचारधारा को लेकर याद करते हैं और चाहे उनके आदर्शों को लेकर याद करते हैं। तो इस संघ का जो मूलवासी संघ है, इस संघ का यही विचारधारा है, इस संघ का ये उद्देश्य है कि भारत के अंदर जितने भी मूलवासी समाज के महापुरुष हैं उनके आदर्श, उनके विचार और जो भारतीय संविधान की जो विचारधारा है, आर्टिकल हैं, वह घर घर तक पहुँचे। जैसे आप देख रहे हैं बैनर पे कि मूलवासी संघ ऊपर लिखा है और जयंती मनाई जा रही है, लेकिन साथ में BS4 अभियान लिखा है। तो BS4 का आप BS4 का पूरा क्या है? भारतीय संविधान सुरक्षा संघ, यानी भारतीय संविधान को हमें सुरक्षित रखने के बावजूद ही हमको सब कुछ अधिकार मिल सकता है। जैसा कि न्यूज रिपोर्टर आपको काम करने अधिकार मिला है तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिला है, और हर एक नागरिक को पूरे भारत देश में जितने भी 130 करोड़ लोग हैं, हर एक नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही उनको, चाहे वह सामाजिक सुरक्षा हो, चाहे राजनीतिक सुरक्षा हो, चाहे आर्थिक सुरक्षा हो, चाहे किसी प्रकार की सुरक्षा हो न्यायालय के द्वारा, चाहे अधिकार हो, वह कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त होता है। तो BS4 का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि भारतीय संविधान को हर एक जनता के बीच में, हर घर घर में, हर लोगों के बीच, जैसा कि हर स्कूलों में पढ़ाया जाता है प्रियम्बोल उद्देश्य देश का, ये सारा चीज़ इसका मकसद यही है। इस संगठन का आपको जो संगठन है मूल निवासी संघ, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आप लोग संविधान के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में विचारों को लोगों के बीच में रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात की जैसे मूल निवासी संघ जो है, जैसे पूरे भारत देश में जितने भी लोग SC ST OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग, या सबसे पहले इस भारत देश के भारतीय हैं या मूल निवासी हैं, जैसे भारतीय मूल निवासी हैं तो इनको मूल निवासी कॉन्सेप्ट पैदा किया जा रहा है कि आप सभी लोग आपस में लड़ाई ना करो, 6043 जातियों में बटो नहीं, और एक दूसरे के प्रति हम अहिर रहे, हम चमार हैं, हम सब भाई अपने एक दूसरे को लड़ रहे हैं है? कि हमारी ये जात कि ये वास्तविकता ये है कि हमारी कोई जात नहीं है, हमारी जात क्यों नहीं है, मूल निवासी बहुजन समाज है। ये जातियाँ जो है कर्मणा बनाया गया था, वो कर्म भी नहीं कोई कर रहा, गाय गोरु पालता था गो वाला गोपाल था, चमड़ा काम करता चर्मकार था, लोहा काम करता था लोहार था, सोना काम करता सोनार था, कपड़ा धोता था धोबी था, आज कहाँ वो काम कर रहा है? जब वो नहीं काम कर रहा है तो जात कहाँ से हो? तो कुल में लेकिन ये जो रियलिटी है कि मूल निवासी सत प्रतिशत है, चाहे DNA के हिसाब से देखिए, चाहे किसी भी तरह से आप देखेंगे, ये मूल निवासी बहुजन समाज जो 85% जो यहाँ का है, जिस कहीं वो शूद्र नाम दिया और वो शूद्र बड़े व्यवस्था में शूद्र रखा, लेकिन शूद्र कहीं है दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, इस तरह से उसने क्या किया, पूरा फोड़ करके जो है गायब कर दिया शूद्र शब्द को, गायब करके और जातियों में बांट करके इसके बाद पूरा संसार में किया। जैसा उदाहरण देखा आपने लिया कि सब साधनों को हवाई साहित्य हर पोस्टों पर, तो हमारे जो 85% के लोग आज एजुकेटेड है, पढ़े लिखे लोग है, SC ST वो भी माइनॉरिटी के लोग, लेकिन इनका प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? इसलिए कि हम गैर मूल निवासियों को हम संसद में भेजते हैं, पार्लियामेंट भेजते हैं, यानी जो राज्यसभा में भेजते हैं, तो कौन क्या हमारे हमको देगा प्रतिनिधि का? हमारे नौजवान क्यों बेरोजगार है? इसलिए कि दुश्मनों के शब्दों में फंसे हैं, उनके शब्द जाल में फंसे हैं, और ये शब्द जाल का है, ये जाति है, हिंदू मुसलमान शब्द तीन शब्द है, इस शब्द को हमको बिल्कुल जो है यह नकारना है, वो हम लोग नहीं है, क्योंकि चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान बाकी जाति का प्रयोग करके हम लोगों को लतियाते हैं, आज भी स्थिति हमारा हाथ पूरा छूके, तो बस यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद, आपका जो है योगदान रहा बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। सिद्धांत स्वरूप हम लोगों को बताएं कि हमारा क्या हक है, हमारी कितनी संख्या है। ठीक है हम किस तरह से अपना हक पाएंगे, यह सब संदेश आज मीटिंग के माध्यम से OBC और अनुसूचित को दिया गया। आपका नाम? चंद्रदेव सिंह यादव। कुछ ये जो आज आप लोग जयंती मना रहे हैं ललई सिंह यादव जी की, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की, तो इनके बारे में कुछ हमें बताइए, इनके सिद्धांत क्या थे? ये ललई यादव की जो थे जी, धार्मिक, सामाजिक और ये राजनैतिक, ये तीनों को जो लेकर के वो चले थे, और इसमें उनको जो है पूरे ब्राह्मणवाद को खत्म किया, इसलिए हमें इनको लेकर के चलना है। अभी आप लोग हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहे थे, तो इसका क्या करना है? नहीं, हिस्सेदारी भागीदारी नहीं है यहाँ जी, हमारे पूरे 90 की भागीदारी है जी। हाँ, ये हमारे जगदेव प्रसाद कुशवाहा की बात थी सर। आपका नाम? हमारा नाम जयंत सिंह जी।
आज जो आप लोग जयंती मना रहे हैं, जो आपका कार्यक्रम था इसका मुख्य उद्देश्य ललित प्रसाद जी की जयंती मनाना था और जो है कि जो जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी थे, तो आप यहाँ के लोगों को, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश दिए हैं अपने स्तर से? यह हम लोग यह बताना चाहते हैं कि हमारा जो मूल निवासी बहुजन समाज के 85% के लोग अपने पुरखों को नहीं जानते, इसलिए दुश्मन को नहीं पहचानते और दुश्मन बरकरार है। ये संघर्ष बराबर हमारे पूर्व कौन है दुश्मन समाज, हमारे दुश्मन जो जो व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो सबसे ऊपर है, बाकी सबको नीचे करके हमारे लोग कह दिया कि पैर से पैदा हो, लकिया कर पैदा किया, हम लोग नीचे है और सब कुछ हक चक से लिया, तो ये उनका षड्यंत्र है, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था चाहते हैं। और हम लोग जातियों में बांटा तो अपने अधिकार के लिए हम लोग बात करने लगे, ये ब्राह्मणवादी कहते हैं कि ये जाति बात करते हैं, जाति उन्हीं लोगों ने बनाया, और जब हम जात के हिसाब से अपना मांग करने लगे कि हमारे इतनी भागीदारी हुई, तब ये कह रहे हैं ये जातिवाद हो रहा है, ये बहुत बड़ा उनका खड़िया है। तो कुल मिला जुला करके वो सब कुछ संसाधन को कब्जा कर बैठे हैं, जबकि भारत देश है, भारत देश में हमारे जो मूलवासी बहुजन समाज के 85% जो क्रय करने जाते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, बड़े पैमाने पर सरकारी खजाने में हमारा शेयर हो रहा है, उसमें मैं शेयर कर रहा हूं, तो उस पर हक भी हमारा उसी हिसाब से होना चाहिए, उसी में हमारा जो है सबको बराबरी का हक होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग का धन उसमें जा रहा है और उस पर पूरा टोटल जो है कब्जा जो है गैर मूलवासियों का है, और वह जो है संसाधन संपन्न है, हम लोगों को जातियों में लड़ा करके, और वो कहता है कि तुम जात को मजबूत करो, हम लोग बिल्कुल। और दूसरी बात की जैसे मूल निवासी संगठन है, जैसे पूरे भारत देश में जितने भी लोग SC ST OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग, या सबसे पहले इस भारत देश के भारतीय हैं या मूल निवासी हैं, जैसे भारतीय मूल निवासी हैं तो इनको मूल निवासी कॉन्सेप्ट पैदा किया जा रहा है कि आप सभी लोग आपस में लड़ाई ना करो, 6043 जातियों में बटो नहीं, और एक दूसरे के प्रति हम अहिर हैं, हम चमार हैं, हम छब्बर हैं, हम मुसर हैं, हम डोम हैं, हम कुशवाहा हैं, हम इस तरह से हैं, ऐसे आपस में मतभेद मत रखो, आप सभी लोग एक मूल निवासी कामचिप पैदा करो और सभी लोग भारतीय हो और आपस में इस भारत देश के मूल निवासी हो, आपस में किसी प्रकार का ऊंच नीच भेदभाव का व्यवस्था न रखो, यही उद्देश्य इस संगठन का, और यह संगठन इस उद्देश्य से काम कर रहा है पूरे भारत देश में। सर आपका नाम? योगेंद्रनाथ कुशवाहा है। आज आप लोग इस संगठन के जरिए जो जयंती मना रहे हैं, इस जयंती पे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग जो हमारे महापुरुष हैं, जितने भी महापुरुष अम्बेडकर जी, ललित जी, जगदेव जी, इन लोगों ने समाज में समानता कायम करने के लिए एक विचारधारा दिया है, जिसमें उस उनके करुणा, दया, मैत्री, प्रेम, व्यवहार के आधार पर व्यक्ति को जीने के लिए सलाह दिया, सीख दिया है, उसको हम लोग जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, ताकि उनके आधार पर लोग अपने जीवन में दिनचर्या में उतारें, और समाज में तो तमाम प्रकार की दुर्नीतियाँ आज देख रहे हैं, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, लड़ाई झगड़ा बलात्कार जो भी सारी चीज़ें होती हैं, इसका एक कारण है कि हमारे महापुरुषों की विचारधाराओं को लोग जान नहीं रहे, हमारे महापुरुषों ने हम लोगों को अच्छी सलाह दिया है, एक रास्ता दिया है, उस रास्ता से भटक गए हैं, जिसका परिणाम आज है कि पूरे देश के अंदर आज जातिवाद है, चाहे हिंदू मुस्लिम है, चाहे जो भी है, चाहे दंगा फसाद है, चाहे बलात्कार है, जो भी सारी चीज़ हो रही है, उन महापुरुषों की विचारधाराओं पर न चलने का एक परिणाम है। हम लोग ये चाहते हैं कि समाज को ये जागृत करें कि हमारे महापुरुष अच्छी विचारधारा पर चलने के लिए चल रहे थे। पनीर पी लें, पी लीजिए पनीर, फिर ऐसे पूछते हैं। सर आपका नाम? रामबद्र सिंह जी। जैसा आप लोग आज पेरियर ललित सिंह यादव जी की जयंती मना रहे हैं और जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की स्मृति पे जो है कि जयंती मना रहे हैं, तो इस पे क्या संदेश देना चाहते हैं आप, जो SC ST OBC के लोग हैं, आप काफी उम्र दराज भी हैं, उनके कुछ सिद्धांतों के बारे में हमें बताइए। ऐसा है कि पेरियार ललित साहब यादव जी जो कुछ सिद्धांत